हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं जसप्रीत, बैंकिंग गुरु जी पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो एंड मिक्सचर बेस्ड डीआई करेंगे, कैसलेट डीआई। ऐसी डीआई यानी कि क्लर्क मेंस और एनआईसीएल एयू में यानी कि बहुत चांसेस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है टू लिक्विड कंटेनिंग एक्स एंड वाई मिक्सचर मिक्सड इन द रेशो 2:3। एक्स कंटेन्स 40% शुगर इन वाटर वाइल वाई कंटेन अल्कोहल इन वाटर। After adding 20 gram sugar in the final mixture, ratio of sugar, alcohol and water becomes 8:5:16. Given that all ratio is calculated on weight, find the weight alcohol in mixture Y. जहाँ पर हमारे पास टू मिक्सचर दिए गए हैं, फर्स्ट मिक्सचर में शुगर एंड वाटर है एंड सेकेंड मिक्सचर Y में अल्कोहल एंड वाटर है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा दिया है, उससे हमें Y की वैल्यू निकालनी है, Y में अल्कोहल की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पर हमें दोनों मिक्सचर की रेशो दी है 2:3, मिक्सचर एक्स और मिक्सचर वाई, मिक्सचर एक्स 2 है और मिक्सचर वाई 3 है। हम इसको 20p मान लेते हैं और इसको 30p। अब हमें आगे दिया है एक्स कंटेन 40% शुगर इन वाटर, इसमें 40% शुगर है, इसका 40% कितना होगा 8, तो 8p शुगर हो गई और रिमेनिंग 12p वाटर हो जाएगा। और y का हमें डाटा दिया है y कंटेन अल्कोहल इन वाटर, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि अल्कोहल है एंड वाटर है, पर उसकी वैल्यू नहीं दी। तो हम वाटर को इसमें क्यू मान लेते हैं और अल्कोहल फिर कितना हो जाएगा, टोटल 30p है, उससे अगर वाटर निकालेंगे रिमेनिंग अल्कोहल रह जाएगा 30p माइनस क्यू, ये हमारे पास अल्कोहल की वैल्यू आ गई। आगे हमें बोला है आफ्टर एडिंग 20 ग्राम शुगर इन द फाइनल मिक्सचर रेशो ऑफ शुगर अल्कोहल एंड वाटर बिकम्स 8:5:16। यहाँ पर बोला है 20 ग्राम शुगर ऐड की गई उसमें, और उसके बाद उसकी रेशो कितनी हो जाती है वो हमें दिया है। यहाँ पर हम दो दो रेशो की वैल्यू लेकर दो क्वेश्चन बना लेंगे और उससे पी एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले हम शुगर और वाटर को ले लेते हैं, उनकी रेशो हमारे पास कितनी है 8:16। इसको जब हम काटेंगे 1/2 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास पहले हमें शुगर लेनी होगी, टोटल मिक्सचर दोनों का किया है, तो फर्स्ट में शुगर कितनी है 8p, सेकंड में तो है ही नहीं हमारे पास, पर उन्होंने बोला था कि 20 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद ये रेशो बन रही है। यहाँ पर हम 20 ऐड करेंगे, नीचे हमारे 16 रेशो किसकी है वाटर की, तो वाटर लेंगे। दोनों में टोटल कितना है, फर्स्ट में है 12p और सेकंड में हमने क्यू लिया था, तो क्यू आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16p प्लस 40 इक्वल्स टू 12p प्लस क्यू, 12p इधर आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा 4p, क्यू भी इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 को उधर ले जाएंगे वो माइनस का 40 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें सेकंड क्वेश्चन चाहिए, इस बार हम शुगर और अल्कोहल ले लेते हैं। शुगर और अल्कोहल की रेशियो कितनी थी हमारे पास 8:5, तो इधर टोटल शुगर आएगी, शुगर की वैल्यू थी हमारे पास 8p और 20 ग्राम उसने ऐड की थी प्लस 20। अल्कोहल की वैल्यू कितनी थी 30p माइनस क्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 40p प्लस 100 इक्वल्स टू 240p माइनस 8q, 40p उधर चला जाएगा तो वो बन जाएगा 200p माइनस 8q इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ चुकी है। अब हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके पी एंड क्यू की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थी हमारे पास 4p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 40,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेग्रीगेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट तो एज इट इज 200p माइनस 8q इक्वल्स टू 100, सेकंड बन जाएगी 32p माइनस 8q इक्वल्स टू माइनस 320। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, जे माइनस हो जाएगा जे प्लस जे बी प्लस, तो जे तो कट जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 168p, ये तो कट जाएगा और ये बन जाएगा 420। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 420 डिवाइड बाय 168। अब हम p की वैल्यू इस क्वेश्चन में फिल कर देते हैं तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 420 डिवाइड बाय 168 माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 40। इसको जब हम काट देंगे तो ये आ गया 42, ये 10, क्यू उधर चला जाएगा 40, इधर आ जाएगा 40 प्लस 10 50। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है और पी की वैल्यू हमारे पास जे रही, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें पूछा था फाइंड द वेट अल्कोहल इन मिक्सचर वाई, अल्कोहल की वैल्यू हमें पता करनी है 30p माइनस क्यू, तो हम फिल कर देते हैं 30, पी की वैल्यू है 420 डिवाइड बाई 168 माइनस 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 75 आ जाएगी। इसको सॉल्व खुद कर लेना आप, माइनस 50 तो 25 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की डीआई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।